गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी आज 16 तारीख है और 16 अप्रैल 2021 सुबह के 9 बजे है और मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ नंबर, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, पांचवा सवाल जो है ये सॉल्व कराने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टैन इनवर्स अंडर रूट, क्या लिखा है, टैन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 / x, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि x जो है 0 नहीं होगा और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, छोटा करके एकदम छोटे से फॉर्म में लिखना है। ये एक बात जो बताने जा रहे हैं इसको दिमाग में बैठा लो, जब आप कैलकुलस पढ़ोगे डेरिवेटिव निकालोगे इनवर्स फंक्शन का तो वहां पर इस तरह के फंक्शन दिए जाएंगे और इनवर्स अप्लाई करके हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कहां, कैलकुलस में। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, छोटा करके लिखना है, तो छोटा करके लिखना है तो अब इसके लिए क्या किया जाए, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 + x², रूट के अंदर 1 + x² - 1 / x लिखा हुआ है, तो x कुछ पुट किया जाए, कुछ इसे मान लिया जाए। तो इसके लिए देखो यहां पता चल रहा है कि अंडर रूट, रूट के भीतर, अभी एक क्लास इलेवेंथ में, चलो क्लास इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आइडेंटिटीज पढ़े हो आप, आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं sec²θ - tan²θ = 1, इस आइडेंटिटीज को पढ़े नहीं पढ़े, तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है sec²θ 1 + tan²θ, ये निकलता है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो sec थीटा यहां आ जाएगा ±√1 + tan²θ, हमें प्लस का मतलब है माइनस नहीं लेना हमें यहाँ पर, चलो इसलिए प्लस माइनस दोनों लगता है लेकिन हमें केवल अभी प्लस पॉजिटिव हम ले रहे हैं। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या मिला, sec थीटा होता है अंडर रूट 1 + tan²θ, यही तो होता है ना। अब यहां देखो अगर थीटा को आप एक्स मान लेते हो, थीटा को अगर हम एक्स मान ले तो 1 + θ की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर लिख दे तो यही तो मिल गया, यही तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका रिलेशन किससे है, इस आइडेंटिटी से है, तो हम भी क्या करेंगे एक्स को टैन बनाने के लिए x = tan रख देंगे। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर होती है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो जब फॉर्मूला ऐसे जैसे यहां कह दिया कि x = tan θ, तो 50-60 बच्चों में एक आध बच्चा तो पूछ ही लेता, सर आपको पता कैसे चल जाता है कि एक फॉर्मूला लगेगा, पता हम लोग को यहां से चल जाता है, इसको देख करके पता चल जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी ज्यादा आएगी। तो आप अभी शुरू शुरू में आपको बड़ा लग रहा होगा कि सब पता नहीं कैसे पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखने लग जाएगा। तो sec θ = 1 + tan²θ यहां से आ गया। देखो अब इसको हम जा रहे बनाने के लिए, तो लेट हमने मान लिया x को क्या माना, tan थीटा, तो x को tan थीटा मान लिया, फिर हम क्या करेंगे यहां पर डिफिनेशन लगाएंगे θ = tan−1 x, इनवर्स की डिफिनेशन से थीटा tan इनवर्स x आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है 1 + x की जगह पर आप क्या लिखोगे, tan²θ और -1 और x की जगह पर क्या आ जाएगा tan θ, तो ये हो गया tan इनवर्स।
अब देखो 1 plus tan square theta की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं sec theta, यही फॉर्मूला से यही आएगी इससे, देखो अंडर रूट 1 plus tan square theta है तो sec theta, तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे sec theta रख देंगे माइनस 1 और नीचे तो tan theta है ही है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आगे देखो tan inverse sec को बना लेते हैं cos, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, अब पढ़े हो ना cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है, या sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो यहां हमने इसको चेंज कर लिया। अब tan थीटा को हम लिखने जा रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, सबको चेंज कर लिया ठीक है। अब यहां लिखेंगे इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा है देख लो, अब इसके बाद यहां सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे चला जाता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आओ देखो इसको सॉल्व करना है हमें, ये यहां से tan inverse, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा और साइन अपॉन cos है, तो एक दो स्टेप और आप करोगे तब आपको मिलेगा 1 प्लस, इसका सिंप्लीफाई करोगे तब 1 प्लस cos थीटा आएगा और cos से cos नीचे वाला जाएगा कट, उसको हम नहीं लिख रहे, और यहां आया साइन थीटा, ये इतना आ गया ठीक है। और एक फार्मूला आप पढ़े हो क्लास 11 में, उस फार्मूला का यूज होगा। देखो क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा है, cos 2a का फार्मूला होता है साइन के टर्म में, साइन के टर्म में क्या होता है या cos के टर्म में क्या होता है, cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये तो होता है ना cos के टर्म में, और साइन के टर्म में क्या होता है cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a का फार्मूला साइन के टर्म में हो गया ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा है, तो देखो अगर मल्टीपल एंगल है तो अगर यहां पर 2a रहता है तो एंगल हाफ में आया, 2a है तो अगर इसे हम ऐसे लिख दें cos 2 cos a लिख दें केवल cos a तो क्या हो जाएगा, या इस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 में आ जाएगा। तो यहां देखो ऐसा करते हैं इसको इस तरह से तोड़ा जाए कि 1 जो है वह डिवाइड हो जाए, 1 खत्म हो जाए, 1 को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो एलिमिनेट करने का मतलब है कि हाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो ऐड जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होगा cos 2a 1 माइनस, वैसे भी यहाँ पर याद रखो 1 माइनस cos थीटा होता है तो cos को हमेशा साइन वाले टर्म में तोड़ दिया, अगर 1 प्लस cos थीटा रहेगा तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा इसको, अगर प्लस में रहेगा तो cos के टर्म में तोड़ोगे, अगर 1 माइनस cos थीटा रहेगा तो साइन के टर्म में, तो यहां 1 माइनस cos थीटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखो cos थीटा है टूटने जा रहे हैं किसमें साइन में, तो इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं, cos थीटा है तो cos थीटा का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, आगे जो लगा है ये माइनस लगा हुआ है, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये तो है ही है साइन थीटा, साइन थीटा का भी फॉर्मूला है, इसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं ठीक है। अब इसी में मल्टीपल एंगल में ही आप पढ़े हो
मल्टीपल एंगल में आपने पढ़ा हुआ है साइन टू ए, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए। अगर इसी को हम ऐसे लिखते साइन ए, केवल साइन ए लिख दे तो एंगल क्या हो जाएगा, ए हाफ हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा और कॉस ए बाई टू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद करो, क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा है, इसको तोड़ दीजिए तो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, देख लो कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है क्लास इलेवेंथ का। और अब आगे चलते हैं, टेन इनवर्स ये कट गया तो ये आया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे आया टू, ओ थीटा है तो इसको भी थीटा बना दीजिए, ए बाई टू हमने आपको यहां समझाने के लिए लिखा तो यहां भी लिख दिया तो ये थीटा बाई टू हो गया, ठीक है थीटा बाई टू सब थीटा बाई टू। तो ये हो गया साइन साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। दरअसल ए से समझाया था तो दिमाग में थीटा की जगह पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, तो वही चीज है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब देखो तो टू से टू बढ़ जाएगा, यहाँ साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू है तो एक से एक डिवाइड हो गया, बचा क्या एक जो रह गया वो बच गया आपका टेन इनवर्स, यहाँ क्या बचा साइन बच गया साइन थीटा बाई टू और नीचे बच गया कॉस कॉस थीटा बाई टू। तो अब ये हो गया टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन tan थीटा बाई टू। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो गई, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो गई, इनवर्स की प्रॉपर्टी में क्या है tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं थीटा बाई टू। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके बताएं, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हो तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, ये पूरा हमने प्रूफ करके बताया हुआ है कि tan इनवर्स tan थीटा बाई टू से थीटा बाई टू कैसे आता है, ये प्रॉपर्टी है। चलो यहां तक हमने बना लिया, अब देखो थीटा थीटा तो हम लोग यहां से निकाल लिए, जब हमने x इक्वल टू tan थीटा माना था तभी थीटा की वैल्यू निकाल लिया था tan इनवर्स x, अब यही थीटा की जगह पर tan इनवर्स x आ जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो हाफ tan इनवर्स x। तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म यही आ गया, ये आपका एकदम सिंपल फॉर्म है, देख लेते हैं कटा कट तो नहीं गया, ठीक। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यहां ना समझ में आ रहा हो तो यहां देखो tan इनवर्स ऐसे लिखा होगा tan इनवर्स ये यहां से tan इनवर्स tan थीटा बाई टू tan थीटा बाई टू, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब देखो हमने आपसे कहा था ना कि मुंह से कैंसिल निकल जाता है कि कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो कैंसिल नहीं होता, कैंसिल कहना गलत है लेकिन बोलचाल वाली भाषा में चल जाता है कि tan मतलब ये केवल थीटा बाई टू आएगा थीटा बाई टू, अब थीटा बाई टू थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दिया tan इनवर्स x यानी हाफ और tan इनवर्स x, अगर वहां ना दिख रहा हो तो आप यहां देख लो ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसको कह रहा है कि सिंपल फॉर्म में लिखना है, आपको एकदम छोटा करके लिखना, तो हमने छोटा करके लिख दिया, लेकिन इसका यूज ये क्या है आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो उस जगह पर हमें ये सब अप्लाई होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, तब आप मिनटों में कैलकुलस जो है देखते देखते आप कर ले जाओगे। अगर आप इसे भाई इनवर्स फंक्शन का तो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, तो अगर आप ये सब चीजें अगर अवॉइड करोगे नहीं समझेंगे तो आगे आपको कैलकुलस में बड़ी परेशानी हो जाएगी, कैलकुलस में नहीं पढ़ पाओगे, बिना इनवर्स के कैलकुलस नहीं पढ़ो, 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इनवर्स फंक्शंस पर ही रहते हैं कैलकुलस में। तो आप एक काम करो इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो नंबर हम 6 आपको बता देते हैं।